नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चाहे कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को अभी की अभी देख लेना, क्योंकि जो कुछ बताने जा रहा हूं उसके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से भी सुपर होगी। बस इतना ही कहूंगा, इस मार्केट को देखकर आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहा है उससे एकदम जड़ से मिटा दूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिसलाइक करना, सारे काम बाद में कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं कि आप एक बहुत बुरे ट्रैप में फंस सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है। मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन करता है वन डे के टाइम फ्रेम पर, और सबसे पहले आप नॉन स्टॉप इस प्रूफ को देख लीजिए। ऐसे में आपको यहां पर डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। हमारे को यहां पर ट्रेड लेनी है बिटकॉइन के अंदर स्पॉट में, साथ में लॉन्ग के अंदर। यह एरिया था $17,600 से लेकर $18,000 के बीच का। यहां पर इस जोन में बिटकॉइन की प्राइस क्यों आ सकती है, इसके लिए मैं अब आपको बिटकॉइन का 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाना चाहूंगा। जब हम बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो हमारे को यहां पर एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर यह करता है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, तो आपको बिटकॉइन की प्राइस इन लेवल से देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर नीचे का लेवल है $18,000 का, फिर उससे नीचे का लेवल है $17,800 का, फिर उससे नीचे का लेवल है $17,600 का, फिर उससे नीचे का लेवल है $17,400 का, और उससे नीचे का लेवल है $17,200 का। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस को एक मेजर सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम पर बिटकॉइन के लिए एक विक हमारे को $17,600 के आसपास देखने को मिली थी। मेरे भाई, आपने प्रूफ देखा। मैंने जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर चल रही थी तब आपको एक बात बहुत साफ-साफ बताई थी कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की प्राइस हमारे को इस सेकंड जोन के अंदर देखने को मिलेगी, और यहां पर हम सेकंड एंट्री बिटकॉइन के अंदर स्पॉट में लेंगे। अब यहां पर आपने बिटकॉइन में स्पॉट में एंट्री ली होगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $18,250 के आसपास। अभी आपको कहां पर एंट्री लेनी है उसके बारे में बाद बात करेंगे। सबसे पहले इस गेम को समझते हैं। देखिए, यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इतना बड़ा डंप क्यों आया, इसके पीछे का क्या रीजन है, मैं क्या देखता हूं और आपको क्या समझना चाहिए। यहां पर एफटीएक्स एक्सचेंज के सीईओ साथ ही बाइनेंस के सीईओ के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, आप सभी को पता है। बाइनेंस के सीईओ की मोनोपोली के चलते बाइनेंस का सीईओ यह नहीं चाहता मेरे एक्सचेंज से ऊपर कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए, जिसके चलते लगातार एफटीएक्स एक्सचेंज को लेकर नेगेटिव ट्वीट करना और एफटीएक्स एक्सचेंज के नेगेटिव टोकन एफटीटी कॉइन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। मैंने आपको देर रात को टेलीग्राम के अंदर एक संकेत दिया था कि मार्केट में एक सीक्रेट गेम चल रहा है। वो सीक्रेट गेम आज होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कल रात को ही वो हो गया। और यहां पर फिर आता है बाइनेंस के सीईओ का एक ट्वीट कि हम यहां पर एफटीएक्स एक्सचेंज को बाय करेंगे। ऐसा कहते ही मार्केट के अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिला। बिटकॉइन की प्राइस वापस से हमारे को इस कैंडल के अंदर $20,600 तक देखने को मिली। मेरे भाई, यहां पर सबसे बड़ा गैप इसी ट्वीट के अंदर था, अगर आपने समझा हो तो। देखिए, मैं इस तरह से समझ रहा हूं कि यहां पर बाइनेंस के सीईओ ने लोगों का सहारा लेकर यह बताकर कि हम इसे खरीदेंगे, खरीदा नहीं है खरीदेंगे, इसका सहारा लेते हुए जो अपने $500 मिलियन के एफटीएक्स टोकन थे उनको सेल किया गया। और जब एफटीएक्स टोकन को सेल किया गया तब एफटीएक्स टोकन की प्राइस, देखिए ट्वीट करने के बाद में एफटीएक्स की प्राइस गई थी $21 तक, और फिर थोड़ी देर बाद में एफटीटी कॉइन यानी एफटीएक्स टोकन की जो प्राइस थी वो फ्रेंड्स हमारे को $10 से बाद में $8 के बाद में $5, और फिर फ्रेंड्स यहां पर लो से लो लगाता गया। और यहां पर बिटकॉइन ने किसको फॉलो किया, पूरे क्रिप्टो मार्केट ने किसको फॉलो किया, एफटीटी कॉइन ने, क्योंकि आप सभी को पता है सोल के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आया था और सोल की प्राइस जीरो हुई थी। उस टाइम पर भी बिटकॉइन ने पूरे क्रिप्टो मार्केट ने सोल को फॉलो किया था, ना कि बिटकॉइन को फॉलो किया यहां पर क्रिप्टो मार्केट में। और सेम यही चीज हमारे को रात को देखने को मिली। यहां पर एफटीटी कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला, जिसके चलते हमारे को यह पूरा का पूरा मार्केट के अंदर गेम देखने को मिला। अब मेरे भाई, यहां पर समझने की सबसे बड़ी बात कि क्या मार्केट यहां पर होल्ड करेगा या नहीं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई यहां पर यूएस स्टॉक मार्केट यानी S&P 500 इंडेक्स भी बहुत अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है, उसी के साथ में DXY इंडेक्स यहां पर क्या हो रहा है, लगातार नीचे की ओर जा रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है। यहां पर यह जब बहुत तेजी से नीचे आएगा, स्थिति में यहां पर S&P 500 इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा, और S&P 500 इंडेक्स को ही यहां पर बिटकॉइन फॉलो
फॉलो करता है, क्रिप्टो मार्केट फॉलो करता है। तो यहां पर यह सारा गेम हुआ है और इस गेम का फायदा यहां पर सिर्फ बड़े बड़े वेल्थ ने उठाया है। साथ ही में हमने आपको कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं दी थी ताकि आपको कोई भी लॉस हो सके। हमारी जो भी ट्रेड दी गई थी वो फ्रेंड्स यहां दो दिन पहले दी गई थी और हमने ऑलमोस्ट उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल चुके थे। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको यहां पर अलर्ट रहना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। हमारे को ट्रेड कैसे लेनी है इसके लिए आपको बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट पर लेकर चलना चाहूंगा। मैंने बिटकॉइन का 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर रखा है और आपने प्रूफ देखा था, उसके अकॉर्डिंग अब प्रेजेंट टाइम पर इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसने काम किया और मैंने आपको यहां पर लास्ट लेवल दिया था $17,200 का और एग्जैक्ट $17,200 तक ही हमारे को बिटकॉइन के अंदर एक विक देखने को मिली। मैंने आपको यह भी कहा था कि मार्केट को यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए और मार्केट यहां से रिकवर करना चाहिए और देखिए मार्केट ने रिकवर भी किया है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अभी भी एंट्री नहीं ली है तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस वापस से इस जोन में आनी चाहिए। यह जोन है $17,800 से लेकर $18,000 का और इस जोन के अंदर आप बिटकॉइन को अभी भी स्पॉट में पकड़ सकते हैं। देखिए पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि बिटकॉइन की प्राइस यहां से नीचे नहीं आएगी, लेकिन मेरे भाई यहां पर अगर बिटकॉइन ने होल्ड किया तो यहां से बिटकॉइन बहुत ऊपर जा सकता है और हमारे को एक बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। वैसे बिटकॉइन ने यहां पर एक नया लो लगा दिया है और इस नए लो के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बहुत बार बताया था, अगर आपने वीडियोस को सीरियसली कर देखा होगा। ऐसी स्थिति में तो प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन के लिए यही सबसे बड़ा अपडेट है। आपको फ्यूचर्स के अंदर कोई भी कॉल बिटकॉइन के अंदर नहीं लेनी है, सिर्फ आपको जो कॉल लेनी है वो स्पॉट में ही लेनी है जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं एफटीटी यानी एफटीएक्स कॉइन को लेकर और इसके अंदर इतनी बड़ी भारी गिरावट कैसे आ सकती है। फ्रेंड्स आप खुद सोचिए यहां पर बाइनेंस के सीईओ ने गेम खेला है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो पक्का खेला है, अपने $500 मिलियन के एफटीएक्स टोकन को सेल किया है जिसके चलते इतना बड़ा इसके अंदर डंप देखने को मिला है। नहीं तो इसने यह बोला था कि हम इसको खरीदने वाले हैं, अगर खरीदने वाले होते तो फ्रेंड्स यहां पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी आनी चाहिए थी। एक टाइम के लिए आई भी थी लेकिन $21 से इसके प्राइस हमारे को कहां तक देखने को मिली है मेरे भाई, $2 के आसपास। और यहां पर बाइनेंस के सीईओ जो कुछ कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो कंट्री क्रिप्टो को लेकर सही सोच रही है वो भी यहां पर नेगेटिव हो सकती है और कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे आ सकते हैं उन कंट्रीज के द्वारा जो कि यहां पर क्रिप्टो को खतरे में डाल सकती है। पर देखिएगा मैंने आपको कल ही एफटीएक्स कॉइन के बारे में सेकंड चैनल पर एक वीडियो में बताया था, उस टाइम पर यहां पर $18 के आसपास एफटीएक्स की प्राइस चल रही थी और आप सबसे पहले उसका प्रूफ देख लीजिए। अब देखिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि एफटीटी के अंदर अगर डंप और आता है, यहां पर बाइनेंस के सीईओ के द्वारा कुछ और नेगेटिव ट्वीट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी प्राइस इस जोन में देखने को मिल सकती है $10 से $12 के बीच में। भाई आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको यह कहा था कि एफटीएक्स कॉइन की प्राइस इस जोन में देखने को मिल सकती है, मैंने आपको यहां पर बाय करने के लिए कहा था, लेकिन यहां तक प्राइस पहुंचती उससे पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट दिया था कि आपको बाय नहीं करना है। मेरे भाई अब देखिए इसकी प्राइस प्रेजेंट टाइम पर $5 के आसपास चल रही है, लगभग यहां पर इसके अंदर 88% का एक बड़ी भारी ग्राउंड देखने को मिली और देखिए यहां पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट है और ये सपोर्ट आता है $1.98 से लेकर $2.66 के बीच में, यहां तक प्राइस देखने को मिल चुकी है। अगर अब यहां से एफटीटी कॉइन नीचे गया समझ लीजिएगा यह जीरो होने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पर आपको एफटीटी से बिल्कुल 100% दूर रहना है। बात करें सोल कॉइन की तो इसके बारे में मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले क्या बताया था, सबसे पहले आप उसका प्रूफ देख लीजिए। यह एक डिसेंडिंग ट्रायंगल हमारे को देखने को मिल रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बिटकॉइन की हालत पतली होगी तब ऐसी स्थिति में सोल की प्राइस आपको $22 तक $24 तक डेफिनेट देखने को मिल सकती है और फ्रेंड्स मुझे जब कुछ अलग नजर आता है तब ही मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको जब इसकी प्राइस यहां पर चल रही थी तब एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई थी कि सोल की प्राइस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी $22 तक। रीजन कुछ भी रहा हो मैंने आपको जो कहा है वो 100% हो चुका है और मैंने आपको यहां पर इसको पकड़ने के लिए भी बोला था, अभी भी प्राइस इसकी $22 के आसपास ही चल रही है, क्या पकड़ना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग यहां पर थोड़ा सा सोल कॉइन हमारे को लेना चाहिए क्योंकि यहां से सोल कॉइन की प्राइस के
अंदर थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो भी वो हमारे को प्रॉफिट देकर जा सकती है। और इसके अंदर इतना बड़ा डंप इसलिए देखने को मिला है क्योंकि एफटीटी कॉइन को बैकअप करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो यहां पर एफटीएक्स एक्सचेंज के सीईओ के पास समय एसेट था वो सोल के अंदर था, इसलिए सोल को सेल करके यहां पर एफटीटी को सपोर्ट दिया जा रहा था, जिसके चलते इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारा अमाउंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत अमाउंट आप इस $22 पर अभी भी लगा सकते हैं। क्रेक इथेरियम को लेकर तो इथेरियम की प्राइस एकदम एंड पर आ चुकी है इस सपोर्ट जोन के, और यहां पर हमारे को इथेरियम को थोड़ा सा सपोर्ट में पकड़ना चाहिए, और वो जोन आता है $1219 से लेकर $1275 का। अभी इथेरियम की प्राइस चल रही है $1314 के आसपास, मुझे लगता है कि वापस से इस जोन के आसपास आनी चाहिए और यहां से आप इथेरियम के अंदर एंट्री बना सकते हैं। याद रहे आपको यहां पर इथेरियम बिटकॉइन सोल के अंदर जो कुछ एंट्री बनानी है और मैंने आपको जो कुछ ट्रेड दिया है वो सिर्फ स्पॉट में ही लेनी है। कोई भी मेरा भाई किसी भी प्रकार की कॉल फ्यूचर्स में बिल्कुल भी नहीं लेगा, हम मार्केट को यहां पर देखेंगे, मार्केट को स्टेबल होने देंगे, उसके बाद में हम फ्यूचर की कॉल लेंगे। लेकिन मैंने आपको जो कॉल दी है उनके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से भी सुपर होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, साथ ही में आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या बिटकॉइन $17,200 से भी नीचे जा सकता है। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।